and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind. तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने पीवीसी पाइप का पीस ले लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें इतने बड़े पीवीसी पाइप की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें से थोड़ा सा एरिया इसका काट के निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए ये मैंने ब्लेड ले लिया है और मैं इसमें से इतना बड़ा ये पीवीसी का पाइप काट लूँगा। तो फटाफट से काट लेते हैं। तो देखिए गाइस इसे मैंने काट लिया और अच्छे से रफ़ कर लिया सैंड पेपर से और ये एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए गाइस ये मैंने कार्डबोर्ड का पीस ले लिया जो कि एकदम सर्कल के तरीके से काट लिया मैंने इसे, और इसे मैं इसके साइड में लगाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसे फिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पर अभी हमें इसमें LEDs वगैरह लगानी पड़ेंगी। तो देखिए गाइस मैंने इसमें 5 होल कर लिए हैं, मैं इसमें 5 LED लगाऊंगा। तो सारी LED मैं RGB वाले लगाऊंगा, जो मतलब 3 कलर की LED चलती हैं। तो देखिए गाइस ये LED हैं जो कि 5 वोल्ट से वर्क करती हैं। तो देखिए गाइस ये RGB LED हैं, इसको हम फटाफट से इसमें लगा देते हैं और इसके सारे कनेक्शन हम पैरेलल में रखेंगे, मतलब एक से ही ये सारी जल जाएंगी। तो फटाफट से इसको लगा के और इसके सारे कनेक्शंस भी कर लेते हैं। तो देखिए गाइस ये मैंने अच्छे से इनको लगा दिया है और फटाफट से इसके कनेक्शंस कर लेते हैं। तो देखिए गाइस मैंने ये सारे कनेक्शंस पैरेलल में कर दिए हैं और सिर्फ 2 वायर्स निकले हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको इसके ऊपर चिपका देना है। तो क्या हमें क्या कुछ नहीं करना, बस इसको इसके ऊपर लगा के आप फेविक्विक की हेल्प ले सकते हैं या ग्लूगन की हेल्प से इसे अच्छे से चिपका सकते हैं। तो देखिए गाइस मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है और ये पूरी तरीके से अच्छे से चिपक गया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक स्ट्रिप लेंगे। तो देखिए गाइस ये है एक स्ट्रिप जो कि कार्डबोर्ड की है, तो ये मैंने कलर कर दिया था इसके ऊपर। तो देखिए गाइस ये इसे हम इस तरीके से इस पर चिपका देंगे। मैंने एकदम बिल्कुल साइज़ का इसके काटा है तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अब हम बैटरी और एक स्विच लेना है। तो देखिए गाइस ये मैंने एक बैटरी ले लिया और एक ये DC स्विच है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें इससे कनेक्ट करना है। कनेक्शंस बिल्कुल ईजी हैं, हमें बैटरी को स्विच से कनेक्ट कर देना है जिससे हमारी लाइट ऑन और ऑफ होगी। तो देखिए गाइस जिसे हमें इसको लगाना पड़ेगा जो कि हमारे पीछे ये लगा हुआ है और स्विच मैं इसके पीछे ही इसमें चिपका दूंगा। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें लगा के इसके सारे कनेक्शंस कर देने हैं, स्विच को बस हमें सीधा इसमें अटैच कर देना है। तो फटाफट से कर देते हैं। तो देखिए गाइस जिसमें मैंने इसे लगा दिया और स्विच भी अटैच कर दिया। तो देखिए जैसे मैं बटन दबा रहा हूँ देखिए 5 के 5 LED तुरंत ही चल जा रही है आसानी से। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो अब क्या करना है, हमें एक और स्ट्रिप लेनी है। इस स्ट्रिप को हम इसके पीछे लगाएंगे, जैसे ये मैंने आगे लगा रखी है वैसे हम एक पीछे भी लगाएंगे ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो देखिए गाइस इसे यहाँ पे हमें अच्छे से फिक्स कर देना है, ग्लू गन की हेल्प से इसे हम अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे। तो फटाफट से इसे लगा देते हैं। तो देखिए गाइस जिसे मैंने लगा दिया और ये एकदम अच्छे से फिक्स हो गया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारा पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए गाइस तो देखिए गाइस जिसमें LEDs वगैरह हमारी अच्छे से जल रही हैं और ये प्रॉपर ही वर्क कर रहा है। तो इसको रख देते हैं साइड में। तो देखिए गाइस जिसे मैंने ले लिया है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है कि इसे मैंने कैसे बनाया है। ये कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और बनाना सीख सकते हैं। तो इसे मैंने इस वीडियो में नहीं बना के दिखाया ताकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो देखिए गाइस मैंने इस पीस को ले लिया, अब हमें इसको यहाँ पे फिट करना है। तो फिट करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें 2 होल करेंगे PVC पाइप में ताकि ये मोटर के शाफ्ट इसमें आसानी से आ जाए, एडजस्ट हो जाए। तो फटाफट से इसको होल करके और इस मोटर के शाफ्ट को इसमें लगा देते हैं। तो देखिए गाइस इस मोटर के शाफ्ट को मैंने इसमें लगा दिया है और ये एकदम ईजी वर्क कर रहा है। देखिए गाइस ये आसानी से रोटेट कर रहा है, जैसे ही हमारी मोटर चालू हो जाएगी तो ये आसानी से वर्क करने लग जाएगा और ये घूमने लग जाएगा। और देखिए गाइस लाइट भी हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो ये हमारा बन के तैयार हो चुका है, हमारा आधा काम तो अब इसमें हो चुका है। तो देखिए गाइस ये नीचे का इसका बेस है, तो ये मैंने मोबाइल का जो नीचे मतलब कवर आता है जिसमें हमारा मोबाइल का बॉक्स होता है ये ले लिया मैंने। तो ये देखिए ये बहुत ही मजबूत होता है, आप जानते ही हैं, और ये आसानी से मुड़ेगा नहीं। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे एक होल भी कर रखा है और नीचे यहाँ पे एक कट लगा रखा है जिसमें हम स्विच लगाएंगे। तो देखिए गाइस ये मैंने DC मोटर ले लिया है, हमें कुछ नहीं करना, बस इस मोटर को इसके नीचे से अच्छे से फिक्स कर देना है और इसके शाफ्ट को ऊपर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। तो फटाफट से इसको यहाँ पर लगा के और ग्लू गन से चिपका देते हैं।
तो देखिए गाइस, मैंने इसमें लगा दिया है और ये ले बनाया है मैंने इसे मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये मोटर का स्पीड कंट्रोलर है जिससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे कि ज़्यादा तेज़ ना चले। तो इसके भी कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, आप सर्किट डायग्राम को देख के इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें मैंने मोटर में लगा दिया है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस एक बैटरी लगा के इसमें अच्छे से अटैच करना है। तो पहले इसे देखिए, इसको इसमें अच्छे से फिक्स कर देते हैं और इसे अच्छे से यहाँ पर चिपका देते हैं साइड में, ताकि ये इधर उधर हिले डुले ना, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो हमारे कनेक्शंस भी टूट सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बैटरी ले ली है, मैंने दो बैटरी को पैरेलल सीरीज में जोड़ के और इसे 6 वोल्ट बना लिए हैं। तो ये अब हमारा 6 वोल्ट से आसानी से वर्क करेगी मोटर। तो यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं और स्विच के कनेक्शन हमारे इजी से हो जाएंगे, बस हमें कुछ नहीं करना, मोटर कंट्रोलर के साथ इसके वायरिंग को कर देना है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक से आराम से उसके सर्किट डायग्राम को देख के और कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने एक मिनी व्हील ले लिया, जो छोटा सा व्हील आता है। तो अब हमें क्या करना है, इसके मोटर के शाफ्ट पे इसे अच्छे से फिक्स कर देना है। तो ये देखिए, ये आसानी से इसमें फिक्स हो जाएगा। और देखिए गाइस, इसमें मैंने फिक्स कर दिया, देखिए जैसे ही बटन दबा रहा हूँ ये एकदम धीरे धीरे घूमने लग गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मोटर की स्पीड से ये कितनी ईजिली घूम रहा है, क्योंकि मैंने इसे कंट्रोलर से इसकी स्पीड स्लो कर दी है। तो ये ईजिली वर्क करेगा, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसके ऊपर हमें वो पुराना वाला हिस्सा हमें ला के चिपका देना है। देखिए जो ये हमारा ऊपर का ये है, तो इसे लाइट को हमें इसके ऊपर चिपका देना है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से रख के और ग्लू गन से इसको अच्छे से चिपका देते हैं और ये हमारी शार्प लाइट बनके तैयार हो जाएगी। तो फटाफट से कुछ नहीं करना हमें, बस ग्लू गन से या फेविक्विक से आप जिससे चाहें उससे चिपका सकते हैं। तो इसे यहाँ पर चिपकाते हैं और इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए गाइस, इसे मैंने अच्छे से चिपका दिया है और ये हमारा वर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमारी लाइट वगैरह बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।